Dear students, today we will learn about combination of resistors. Combination of resistors may be of two types. First is series combination. Series combination, Shreni Karam. Question ye aata hai ki hame resistors ko combine karne ki zarurat kyon padti hai? क्योंकि हर एक अलग अलग सर्किट में अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है और हर एक वैल्यू का रेजिस्टेंस को मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम रेजिस्टर्स को कंबाइन करके डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम दो तरह का कम्बिनेशन करते हैं। फर्स्ट है सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन को पहले हम डिफाइन करते हैं। टू और मोर रजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज if they are joined end to end or there is only one way to move the current from one terminal to another terminal. क्या कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्टेड बोलते हैं यदि वो एंड टू एंड कनेक्ट किए गए हों। कहने का मतलब क्या है कि एक रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट के साथ दूसरे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट हो, या फिर करंट को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे मूव करने के लिए केवल एक पाथ प्रोवाइड हो। इसके लिए एक्सप्रेशन है, इसे हम मान लेते हैं कि थ्री रजिस्टर्स फॉर एग्जाम्पल थ्री रजिस्टर्स आर वन आर टू एंड आर थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी और सेल whose potential is V. R1, R2 or R3. These resistors are connected in series because end point of first resistor R1 is connected to the starting point of the resistance R2 and end point of R2 is connected with the starting point of R3. And on, as we know that current flows from positive to negative terminal, that is there is only one way to move the current I from terminal first terminal to the last terminal. Hence these resistors are connected in series. Let we assume that V1 be the potential developed across the resistance R1, V2 be the potential developed across R2 and V3 be the potential developed across R3. Now, let V1, V2 and V3 be the potential across resistors R1 R2 and R3
which are connected in series with a battery of potential V. I be the current flowing throughout. I be the current flowing throughout. हमने मान लिया है कि तीन रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 सीरीज में कनेक्ट हैं, V1, V2, V3 उनके अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप हुआ है और सोर्स जो नेट पोटेंशियल अप्लाई किया है वो है V और उसके कारण करंट I फ्लो होती है। देन यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू I इंटू R, देयर फोर V1 इज इक्वल टू I into R1, V2 is equal to I into R2 and V3 is equal to I into R3 होगा। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री ऐड कर देते हैं तीनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री, इन इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, हमारे पास क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, I को कॉमन कर लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, बट V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल और V ओवर I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इफ यदि हम R1, R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS अज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लिया हमने इफ RS बी दा, मतलब क्या है कि अगर हम तीनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, मान लिया कि वो RS है, RS बी दा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, then V over I is equal to RS, इसलिए RS is equal to R1 plus R2 plus R3, ये हमारा equivalent resistance होगा। तो series में जब भी resistance लगाए जाते हैं तो equivalent resistance सब resistances के जोड़ के बराबर होता है। आगे हम अगर देखें जनरली जनरली R1, R2 अप टू Rn आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू समेशन आर आई, आई गोज फ्रॉम वन टू एन, या हम इसको लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस अप टू आर एन।